बिजनेस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि बिजनेस में सिस्टम डेवलप करने का प्रयास किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ व्यापार के जैसे सिर्फ आप प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। ये एक महत्वपूर्ण बात है जहां से सारा एक सीईओ और एक नॉर्मल व्यापारी का फर्क आता है। एक नॉर्मल ट्रेडर जो होता है, एक नॉर्मल व्यापारी होता है, एक जो दुकानदार होता है, उसकी अप्रोच ये होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा माल खरीदूं और ज्यादा से ज्यादा सस्ते में खरीद के महंगे में बेच के प्रॉफिट कमाऊं। ये एक अप्रोच बिजनेस में भी होती है, बट बिजनेस में इसके बियॉन्ड एक अप्रोच होती है और वो है सिस्टम डेवलपमेंट। हम सिस्टम डेवलपमेंट पे ही बात कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियोस हम लोगों ने इस पे बनाए हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले वीडियो में हमने बताया कि बिजनेस के आधारभूत 3 P हैं जिन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ध्यान से देखिए, बिकॉज वो फंडामेंटल वीडियो है। उसके बेसिस पे ही आप ये समझ पाएंगे कि वो 3 P कौन से हैं जिनके आधार पे आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते। दूसरी चीज जो हमको ध्यान रखनी होती है कि हमारे कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन, कि कौन हमारा कस्टमर है, वो दूसरा महत्वपूर्ण बात है। बिकॉज दुनिया में जितने लोग हैं वो सारे आपके कस्टमर हो सकते हैं यदि आप ऊपर से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप हेयर ड्रेसिंग का एक बिजनेस करते हैं, या आपका एक सैलून का प्लान है, या एक सीरीज ऑफ सैलून्स आप ओपन करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जितने लोगों के सिर में बाल हैं वो सारे आपके क्लाइंट हैं, और अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो जिनके सिर में बाल नहीं है या जिनके बाल झड़ रहे हैं वो सारे भी आपके क्लाइंट हैं। इस तरह की जिनकी अप्रोच होती है वो बड़े सिस्टम्स खड़े नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है कि आप मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, प्लानिंग, कस्टमर एक्विजिशन सब कुछ करना कैसे है, और वहां पे बहुत सारा खर्चा करके बहुत कम प्रॉफिट कमाते हैं और कई बार सस्टेनेंस खत्म हो जाता है। तो दूसरी चीज जो आपको समझनी पड़ती है वो है कस्टमर का, आपका क्लाइंट का एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन कैसे हो वो। उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसको भी जरूर देखिएगा। और तीसरा वीडियो जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आइडिया का वैलिडेशन डायरेक्ट प्रोबेबल क्लाइंट से, जो बेस्ट बायर है, उस पर बनाया। आज हमारी इस सीरीज में हम 4th वीडियो पे बात कर रहे हैं। अब हम ये मान रहे हैं कि आपके पास एक आइडिया है, उस आइडिया का वैलिडेशन आप करवा चुके हैं अपने आइडियल कस्टमर से, और अब आप उस आइडिया में उतरना चाहते हैं। उतरने के पहले एक और महत्वपूर्ण काम कीजिए, और वो ये पता लगाइए कि आपके बिजनेस में आप जितना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो उसी बिजनेस में उतना सक्सेसफुल हो चुका है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और उसको अपना मेंटर, अपना कोच, अपना गुरु बनाने की कोशिश कीजिए। ये वो व्यक्ति है जो नॉर्मल कोचेस कंसल्टेंट्स के बियॉन्ड है। ये वो व्यक्ति है जो आपको एक्चुअल में मेंटरिंग दे सकता है, और आपकी और इनकी इस व्यक्ति की एज में लगभग एक जनरेशन का गैप होना चाहिए, लगभग 20 साल का, सो दैट आने वाले 20 साल जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है और उस रास्ते से गुजर चुका है। तो ये आपको एग्जैक्ट बता सकता है कि कहाँ कहाँ इस रोड पे गड्ढे हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर्स हैं, और कहाँ बैरियर्स लगे हुए हैं, और कहाँ हम रास्ता भटक सकते हैं। ये डिफरेंस होता है एक नॉर्मल कोच और मेंटोर में। जैसे मानिए मैं जब अपने आप को बिजनेस कोच और कंसल्टेंट करता हूँ, तो मैं कोचिंग एंड कंसल्टिंग कर सकता हूँ, बट मैं हर बिजनेस की मेंटरिंग नहीं कर सकता। मेंटरिंग करने के लिए उस व्यक्ति को ही चुना जा सकता है आपको, जो उस बिजनेस में आपसे बहुत आगे रह चुका हो, या जितना आप सफल होना चाहते हो उतना वो सफल हो चुका हो। इस व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप बट आज बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, जैसे लिंक्डइन बहुत अच्छा टूल है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और आप कोशिश करें उनको आइडेंटिफाई करने की। अब मान लीजिए कि यदि आपको वो आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है या टाइम लगता है, तो आप उनकी लाइफस्टाइल्स और लाइफ स्टोरीज के बारे में पढ़ें, उन्होंने जीवन को कैसे जिया, क्या संघर्ष किया और कैसे वो आगे बढ़े। अगर आप सही व्यक्ति को चुनते हैं तो उसके बारे में बहुत सारा लिखा जा चुका है, बहुत सारा बोला जा चुका है, उनके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी उनपे ओरिएंटेशन की चीजें मिल जाएंगी, बहुत न्यूज कटिंग मिल जाएगी, उनकी खुद की इंडस्ट्री इतनी बड़ी होगी जिसपे आप बहुत सारा स्टडी कर सकते हैं। तो मेंटर फाइंड करना इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग जो 99% बिजनेस ओनर्स बिजनेस के शुरू करने के दौरान करते ही नहीं है।
उनके दिमाग में भी नहीं आता है कि उनको वहाँ मेंटोर की जरूरत है। इसलिए सबसे पहले एक मेंटोर ढूंढिए, ये बहुत जरूरी है। मेंटोर ढूंढने के बाद आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाइए अपने बिजनेस में, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन लोगों का होना चाहिए जो आपको सिर्फ एडवाइस करे। दे गवर्न योर माइंडसेट, दे गाइड यू, दे मेंटोर यू, बट दे आर द पीपल हु आर नॉट द पार्ट ऑफ योर बिजनेस, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं है। वो एक तरह का गाइड्स और मेंटोर्स का बोर्ड है। उसमें आप एक हाई लेवल कंसल्टेंट्स या कोचेस को इन्वॉल्व करें जो कॉर्पोरेट कोचिंग में इन्वॉल्व हो, उन लोगों को इन्वॉल्व करें जो बहुत सीनियर अकाउंटेंट्स हों, बहुत सीनियर मतलब बहुत सीनियर, अगेन बहुत फर्क होना चाहिए आपकी एज और उनकी एज में। एज का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकता है, इसलिए मैं एज बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं एज के माध्यम से एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तीसरी चीज, एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का लॉयर ढूंढिए। यदि वो नहीं है आपके पास तो आप हर स्टेप पे प्रॉब्लम फेस करेंगे। इस तरह के कुछ लोगों को बोर्ड में लीजिए, और जो आप खर्चा शुरू करना चाह रहे हैं उसकी पीनट्स में, आप जो बिजनेस में पैसा लगाएंगे उसके बहुत कम पैसे में ये लोग आपके बोर्ड पे आने को तैयार हो जाएंगे। यदि आवश्यकता पड़े तो आप पर बोर्ड मेंबर को इक्विटी ऑफर करें। यदि आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो आप हर बोर्ड मेंबर को इक्विटी ऑफर करें, और अपने अलावा एक चेयर पर्सन बनाइए बोर्ड में, और वो चेयर पर्सन यूजुअली वो मेंटोर होना चाहिए जो आपको मेंटरिंग करते हैं। इनके लिए 5% इक्विटी होल्ड कर सकते हैं, बाकी सबके लिए 1-2-3% इक्विटी होल्ड करें। मान लीजिए आपने 5 लोगों का बोर्ड ऑफ मेंटोर्स बनाया और आपकी टोटल इक्विटी 15% डाइल्यूट भी हो गई, तो आप ये मान के चलिए आप बहुत सस्ते में बहुत सारा अचीव कर लिए। आइडियली 8-10% होना चाहिए, बट मैक्सिमम 15% बोर्ड को ये इक्विटी दी जा सकती है। इस इक्विटी को देने में कंजूसी करिए, पर ये ध्यान रखिए कि अगर फीस के बदले आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इक्विटी मत दीजिए, फीस अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इक्विटी दीजिए। ये लोग आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर्स होंगे और ये आपको बहुत ग्रोथ देने में मदद करेंगे। तो दो चीज आज हमने इस वीडियो में बात करी, एक मेंटोर आइडेंटिफाई कीजिए, उनको चेयर पर्सन बनाइए अपने बोर्ड में, और दूसरा बोर्ड के दूसरे मेंबर्स आइडेंटिफाई कीजिए जिनमें एक लॉयर, एक हाई लेवल कॉर्पोरेट कोच या कंसल्टेंट, एक हाई लेवल अकाउंटेंट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट CPAs जो भी आपकी कंट्री में एप्लीकेबल होते हैं उनको लीजिए, और इन चारों पांचों लोगों को लेने के बाद एक बहुत सीनियर लेवल का सेल्स का बंदा आपकी कंपनी में होना चाहिए, आपके बोर्ड में होना चाहिए, जो एक्चुअल में बिजनेसेस को टर्न अराउंड करना जानता हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेल्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई एक टेक विजर्ड आपकी कंपनी में होना जरूरी है, उसको लीजिए, और एक छोटा सा बोर्ड ऑफ मेंटोर्स बनाइए। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है, क्या हम चेयरपर्सन और बोर्ड ऑफ मेंटोर्स बनाने के अलावा या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने के अलावा हमको को फाउंडर्स ढूंढने की जरूरत है? तो को फाउंडर्स वाली अप्रोच पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में यही दो बात ध्यान रखिए, एक मेंटोर ढूंढिए, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सॉरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाइए। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ विकास।